आज की वीडियो में हम आपको बना के दिखाएंगे छोटे बच्चे की भौरकली वाली मोरी कैसे बनती है, वो भी गोल रस्सी की नहीं, चपटी पट्टी की ऐसे। भौरकली ये होगी, बच्चे के हिसाब से इसका साइज है। इसका काम है घूमने का, ताकि बच्चे के फांसी ना लगे। खूंटे बांधने के बाद और रस्सी के अंदर बंटाएगा तो वो भी कमज़ोर हो जाती है, इसका बेनिफिट यही होगा। तो हमने गोल रस्सी की बजाय चपटी पट्टी ली है और इसकी लंबाई 10-10.5 फीट है। बच्चे के हिसाब से हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 9.5 फुट की बन जाएगी, ये 11 की बन जाएगी, वो बच्चे का ग्रोथ के ऊपर बात है। तो इसमें हमने क्या करना है, भौरकली डालेंगे इस रस्सी की, दोनों सिरे मिला के इकट्ठे करेंगे और ये भौरकली डाल देंगे इसमें। इसको दोहरा करके ऐसे बीच में ले आएंगे, इस तरह से ऐसे आ जाएगी। अब हमने ये एक साइड का कनड़ा तैयार करना है, लगभग ये साइज़ होगा इसका, करीब 1.25 फुट का। फिर ये नीचे की तरफ खिंचाव करेंगे और इस साइड वाली आती रहेगी, यहाँ से हम पकड़ लेंगे इसको ताकि ये छोटा ना बने, इस तरह से करीब 4-5 इंच ऐसे। ये तीन साइड बना गई। पहले अंगूठे के ऊपर से यानी इन दोनों के बीच से इसको लेंगे इस तरह से, फिर ये वाली इसके ऊपर से ऐसे आ जाएगी। फिर इसको अंगूठा निकाल लेंगे थोड़ा लूज करके, भौरकली समेत इसको यहाँ डाल देंगे इस तरह से, ये हमारी गांठ लग जाएगी। इसके अंदर ये बटा जाता है क्योंकि पट्टी है ये, इसकी ये तीन साइड हैं, इनमें दो प्लेन आएगी, एक के अंदर बट आता है, इस बट को हम निकाल देंगे, ऐसे निकल जाएगा ये। यह बंट निकल के प्लेन हो चुकी है। फिर हमने इसको ये बाहर की साइड है, ये अंदर की साइड है, इसको उल्ट कर लेना है इस तरह से। अब ये नाक के ऊपर से आएगी, इसका फैसला 7-8 इंच का लगभग, इस तरह यहाँ से पकड़ेंगे हम। और ये दो रस्सी आगे ही साइड गई हैं, इनमें से एक छोटी और एक बड़ी हो जाती है, जो छोटी है वो यहाँ निकल के आ गई, बड़े वाली है अब उसका नंबर आएगा, अब ये आ जाएगी यहाँ, जिस तरह पहले वाली निकाली उसी तरह ये वही गांठ उसी प्रकार से जैसे पहले हमने इसको लेना है। इसके बाद इसको लेंगे ऐसे और फिर ये नीचे वाली अंगूठा निकाल लेंगे और ये इसके अंदर डाल देंगे, ऐसे डल जाएगी। बट इसके अंदर भी है वही एक रस्सी के, दो प्लेन है, एक के अंदर बंट है, ये बंट जो पहले निकाला था इसी तरह निकल जाएगा, लेकिन हमने ये वाली इसके अंदर से डालनी है क्यों, ये खाली है, इसके अंदर डल चुकी है, तो हमने ये वापसी निकालनी है। वापसी निकाल लेंगे तो एक तो ये ध्यान रखना है, जहाँ से निकली है वहीं से वापसी डालनी भी तो है, जिसके अंदर ये बट था वही हमने बाहर ही निकाल ली है,
बाहर की साइड आ गई। अब ये इसके अंदर से डल के जाएगी तब यहीं से वापसी डलनी है, ये ध्यान रखना आपने। वह निकाली कहाँ से थी, ये यहाँ से निकाली थी इस तरह से। अब इसको पीछे ले जाएंगे यहाँ, ताकि बाद में हमने याद रखना है कि ये इसी तरह आगे लेके आनी है। अब ये है नीचे वाली साइड, ये नीचे वाली, ये हमने कंप्लीट बार निकाल ली। इसको हम नीचे से भी डाल सकते हैं, ऊपर निकल जाएगी, और ऊपर से भी डाल सकते हैं, ये नीचे चली जाएगी इस तरह से, ऐसे डल जाएगी। अब यहाँ से निकाल ली थी इसको, नीचे की साइड से ही इस साइड निकाल देंगे। फिर ये यहाँ से निकल के आई थी, वापसी यहीं आ जाएगी। और सबसे पहले हमने यहाँ से निकाल ली थी, अब इसको यहीं वापसी डाल देते हैं। यहाँ से निकली थी और यहीं वापसी डल जाएगी ये इस तरह से। और यहाँ हम गांठ लगा देंगे, ये छोटे बच्चे की इस तरह बन जाएगी। बनाने का तरीका बड़ी का भी वही होगा, छोटे का भी होगा। इसके अंदर बताना ये है कि रस्सी कितनी लगेगी। जैसे 6-7 महीने का बच्चा है, उसके करीब 10 फीट की रस्सी काफ़ी है। 1 साल का है, बछड़ा है, बछड़ी है, उसका 1-1.5 फीट रस्सी और बड़ी लग जाएगी, यानी 11-11.5 फुट की लगेगी। उसी हिसाब से इसका कंडरा बन जाएगा और उसी हिसाब से इसका मुंह बनेगा। इसमें हम एक चीज़ का ध्यान रखें कि छोटा बच्चा होता है उसकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी। बड़ा पशु 3 साल का हो या वो 18-20 साल का हो, उसका साइज एक ही रहेगा मुंह का, लेकिन इनका मुंह फूलता रहेगा, हर 2 महीने में 3 महीने में आकार ज़्यादा हो जाता है। इस करके थोड़ा हल लूज बनाओ। अगर बच्चे की लूज है तो 1-2 महीने के लिए हम यहाँ एक रस्सी का ही प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ रस्सी बन जाएगी ताकि मुंह थोड़ा छोटा हो जाए। 1-2 महीने बाद ये टाइट होने लगे, उस टाइम पर अपना यहाँ रस्सी यहाँ से खोल देना, ताकि ये मुंह और खुल जाएगा। मुंह खुलने से कन्ना ऑटोमेटिक आगे चला जाता है, ये बनाएंगे।